मूवी शुरू होती है तब हमें जेनेट को दिखाया जाता है जो अभी क्वांटम वर्ल्ड में फंसी हुई होती है। तभी जेनेट आसमान की ओर देखती है जहां आसमान से एक शिप नीचे क्रैश होकर गिरती है। जेनेट यह देख तुरंत ही उस शिप के पास भागकर जाती है। तभी उसी क्रैश शिप में से कैंग बाहर निकलता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंटमैन यानी स्कॉट को हमें दिखाया जाता है जो अब बहुत ही फेमस सुपर हीरो होता है और लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। वह अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वह कुछ बच्चों को अपनी लिखी हुई किताब पढ़कर सुना रहा होता है। तभी उसे जेल से कॉल आती है और वह तुरंत पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है जहां पर होप पहले ही से ही होती है। वह उसे सारी बात बताती है कि उसकी बेटी कैसी को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है जो उसे बेल पर छोड़ देते हैं। वहीं आगे सभी को एक साथ दिखाया जाता है जहां पर बातों के दौरान कैसी स्कॉट को अपनी डिवाइस के बारे में बताती है। वहीं स्कॉट को चींटियां दिखाई पड़ती हैं जो एक कांच के अंदर होती हैं जो अपने आप ही काम कर रही होती हैं और कुछ बना रही होती हैं। स्कॉट हैंग से चींटियों के बारे में पूछता है तब हैंग कहता है कि यह खुद ही अपने आप खुद के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने लगी। तभी केसी अपनी डिवाइस सभी को दिखाती है और स्कॉट को अपनी डिवाइस के बारे में बताती है जो कि क्वांटम वर्ल्ड से डेटा कलेक्ट कर उसकी मैपिंग करने का काम करेगी जिससे कि हमें क्वांटम वर्ल्ड को समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। क्वांटम वर्ल्ड का नाम सुन जेनेट घबरा जाती है और तुरंत ही उस डिवाइस को बंद करने को कहती है। केसी उस डिवाइस को तुरंत ही बंद कर देती है और तभी डिवाइस अपने आप ही चालू हो जाती है और उस डिवाइस की मदद से सभी धीरे धीरे क्वांटम वर्ल्ड में खिंच जाते हैं। स्कॉट केसी को बचाने के लिए भी क्वांटम वर्ल्ड में चला जाता है और सारे अपने आप को क्वांटम वर्ल्ड में पाते हैं जहाँ पर हैंग होप और जेनेट स्कॉट और कैसी से अलग हो चुके होते हैं। वहीं स्कॉट और कैसी को कुछ क्वांटम वर्ल्ड के लोगों ने पकड़ लिया होता है जो उन दोनों को अपने अड्डे पर लेके जाते हैं और उन दोनों को जबरदस्ती एक ट्रेड ड्रिंक पिलाते हैं जिससे कि स्कॉट और कैसी को उनकी भाषा समझ में आने लगती है। और तभी वहाँ पर उनकी लीडर आ जाती है जो उन दोनों को यहाँ आने का कारण पूछती है। वहीं दूसरी ओर हमें होप जेनेट और हैंग को दिखाया जाता है जो कि क्वांटम वर्ल्ड के एक बार में होते हैं। जेनेट सभी के लिए वही ड्रिंक ऑर्डर करती है जिसे पीने के बाद सभी को क्वांटम वर्ल्ड के लोगों की भाषा समझ में आने लगती है। और वहीं पर जेनेट अपने एक पुराने साथी को बुलाती है जिसकी मदद से स्कॉट और कैसी को ढूंढा जा सके जिसका नाम क्रायल होता है। जेनेट क्रायल को हैंग और होप से मिलवाती है और स्कॉट और कैसी का पता लगाने के लिए कहती है। क्रायलर कहता है कि मुझे उन दोनों का पता है लेकिन तुम लोगों के पहुंचने से पहले ही उस कॉन्करर उनको पकड़ने के लिए किसी को भेज दिया होगा। तभी बाहर में कैंग के सिपाही आ जाते हैं जो जेनेट होप और हैंग को पकड़ने ही वाले होते हैं और वे सभी एक साथ मिलकर कैंग के सिपाहियों से लड़कर क्रायलर की शिप लेकर वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ग्रुप के लीडर को दिखाया जाता है जो सभी को तुरंत यहां से निकलने को कहती है क्योंकि स्कॉट और कैसी को पकड़ने के लिए कैंग के लोग आने ही वाले होंगे और वे वहां पर पहुंच भी जाते हैं जो आते के साथ ही सभी को मारने लगते हैं। स्कॉट और कैसी भी बचकर वहां से भागने लगते हैं पर तभी उन दोनों के सामने डेरेन आ जाता है जो कि अब मॉडर्क बन चुका होता है। वे दोनों डेरेन को देख काफी हैरान होते हैं और उसकी इस हालत का कारण भी पूछते हैं पर मॉडर्क यानी डेरेन उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं शिप में होप जेनेट से उस कॉन्करर यानी कैंग के बारे में पूछती है। उसके ज्यादा जोर देने पर जेनेट उनको सब बताती है और तब हमें मूवी की शुरुआत का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैंग जेनेट को अपनी मशीन के बारे में बताता है जो कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सकती है और किसी भी वक्त में कहीं पर भी जा सकती है लेकिन उसकी मशीन का एक पार्ट खराब हो चुका होता है। वे दोनों मिलकर उस मशीन के पार्ट को ठीक करने लगते हैं और कुछ ही समय बाद वह पार्ट ठीक भी हो जाता है। पर जैसे ही जेनेट कैंग की शिप छूती है उसे एक विजन आता है जहां पर कैंग ने न जाने कितनी दुनिया को मिटाया होता है और जाने कितने अनगिनत लोगों को मारा होता है। यह देख जेनेट समझ जाती है कि कैंग का मकसद क्या है और वह उस मशीन के पार्ट में से कोर को निकाल लेती है और वहां से भागने लगती है और कैंग उसे पूरी ताकत से अब रोकने लगता है। पर जेनेट अपने पिम पार्टिकल्स की मदद से उस मशीन के कोर को काफी बड़ा कर देती है जो कि एक काफी बड़ा कोर बना देती है। इसके बाद फिर हमें फाइनली कैंग और स्कॉट को आमने सामने दिखाया जाता है। कैंग स्कॉट से एक सौदा करना चाहता है जिसमें उसे बड़े कोर के अंदर जाकर उस मैन कोर को छोटा कर उसके पास वापस लाना होता है। वह उसकी बेटी और उसे घर जाने देगा। पहले तो स्कॉट मना करता है लेकिन केसी को ज्यादा टॉर्चर करने पर वह मान जाता है तो कैंग उन दोनों को बड़े से कोर के पास ले जाता है और हर लेवल के बाद खुद को छोटा करते जाता है और अंत में वह एक खाली जगह पर पहुंचता है जहां पर कुछ भी नहीं होता है। पर तभी वहां पर स्कॉट के बहुत सारे वेरिएंट स्कॉट से ही निकलने लगते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो स्कॉट से ही निकलकर बढ़ते जाते हैं। यह देख सारे स्कॉट कोर की ओर भागने लगते हैं जिनमें कुछ मारे भी जाते हैं। अंत में वह कोर तक अपने वेरिएंट की मदद से पहुंच भी जाता है। इसी बीच जेनेट हैंग और होप वहां पर पहुंच जाते हैं। होप स्कॉट को बचाने के लिए कोर के अंदर चली जाती है। दोनों एक साथ मिलकर कोर को छोटा कर देते हैं
वहीं शिप पर हैंग होता है, जिस पर मोरोक हमला कर देता है, जिससे कि शिप क्रैश होकर दूर जाकर गिरती है। स्कॉट अपनी बेटी कैसी को कैंग से वापस मांगता है, बदले में वह उसका कोर वापस कर देगा, पर कैंग उसे धोखा देता है और कैंग कोर को स्कॉट से छीन लेता है। जेनेट को अपने साथ ले जाता है, जहाँ कैंग जेनेट को अपने प्लान के बारे में बताता है कि वो बस टाइमलाइन को सही करना चाहता है और चाहे उसमें कितने ही लोगों और दुनियाओं को क्यों नष्ट करना पड़े। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैसी को दिखाया जाता है, जो कैंग के कार्ड को मारकर वहां से भाग जाती है। वहीं हमें स्कॉट, होप और हैंग को दिखाया जाता है, जहां पर हैंग को उसकी चीटियां मिल जाती हैं, जो मूवी की शुरुआत में क्वांटम वर्ल्ड में गिर चुकी होती हैं, जहां पर उनने खुद को बहुत ही ज्यादा विकसित कर लिया होता है और क्वांटम वर्ल्ड में अपनी एक सभ्यता भी बसा ली होती है, और वह हैंग की शिप को ठीक भी कर देती है। अब कैसी बचकर वहां से निकलने ही वाली होती है, लेकिन वह सबसे पहले उनके लीडर को छुड़ाती है, जिसे कैंग के सिपाहियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। वहीं कैंग क्वांटम वर्ल्ड से निकलने की तैयारी में होता है, पर तभी कैसी बीच में ही प्रसारण को रोक देती है और सभी को जंग करने के लिए कहती है, जिनको भी कैंग ने बहुत ही ज्यादा परेशान और उनके अपनों को मारा होता है। और यह प्रसारण स्क्वाड भी देख लेता है, कैसी को बचाने के लिए निकल पड़ता है और बहुत कोशिशों के बाद वह कैंग की पूरी मशीन को तबाह कर देता। विद्रोही भी अब कैंग सिपाहियों को मारने लगते हैं और अब मोरोक कैसी को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है, पर अंत में कैसी उसे हरा देती है। यह सब देख कैंग बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और खुद मैदान में आकर सभी विद्रोहियों को मारने लगता है। अंत में उसके सामने स्कॉट, कैसी और होप होते हैं। वह उन पर भी भारी पड़ता है और उन्हें लगभग हरा ही दिया होता है, लेकिन तभी पीछे से हैंग आता है और उसके साथ उसकी बहुत सारी चींटियाँ भी होती हैं, जो एक साथ कैंग पर अटैक कर देती हैं और कैंग के पूरे सूट को तबाह कर देती हैं। कैंग को हराने में मोरोक भी साथ देता है और इसी ही बीच वह मारा भी जाता है। तभी जेनेट उसी कोर की मदद से एक पोर्टल खोल देती है, जिससे कि वह घर वापस जा सके, और सभी उस पोर्टल से होकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। तभी स्कॉट कैसी को धक्का दे देता है, जिससे कि वह अब क्वांटम वर्ल्ड से निकलकर अपने घर पर पहुंच जाती है। और हमें अब कैंग और स्कॉट को दिखाया जाता है, अभी कैंग जो कि अभी मरा नहीं होता है, और अब स्कॉट और कैंग के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है, जिसमें कि कैंग स्कॉट पर भारी पड़ता है और उसे लगभग मारने ही वाला होता है। पर तभी पोर्टल से होप आती है, उसी के कोर में अपने ब्लास्टर से धक्का दे देती है, जिससे कि कैंग कोर के अंदर जाकर मारा जाता है और वे सभी वापस घर आ जाते हैं। पर स्कॉट को कैंग की एक बात याद होती है कि यदि कैंग क्वांटम वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाया तो उसके ही जैसे बहुत से वेरिएंट आएंगे, जो कि उसका सब कुछ तबाह कर देंगे। और इसी डर के साथ है मूवी।